डियर फ्रेंड्स, तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं कि आपकी क्लास 10th के एक्सरसाइज 4.4 के तीसरे नंबर क्वेश्चन को। मैं पहले और दूसरे क्वेश्चन को अपने पिछले वीडियो में बना चुका हूं। यदि आप हमारे चैनल पर नए तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आए तो अंत में लाइक और शेयर जरूर करें। तो हमारा क्वेश्चन है कि तीसरा, क्या एक ऐसे आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगुनी है और उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर है? यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो हम पहले लंबाई और चौड़ाई हमारा तो मान लेंगे, माना बगिया की चौड़ाई बराबर हो जाएगा x मीटर, क्योंकि क्षेत्रफल मीटर में है, तथा बगिया की लंबाई बराबर 2x मीटर, क्योंकि जो हमारा प्रश्न वो कह रहा है बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगुनी है, यानी कि चौड़ाई x होगी तभी तो लंबाई उसकी 2x होगी। तो हमने मान लिया है, और अब कह रहा है उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर है। प्रश्न से बगिया का क्षेत्रफल बराबर 800 मीटर स्क्वायर। तो हम जानते हैं कि ये एक आयताकार बगिया होगी, क्योंकि इसकी लंबाई और चौड़ाई अलग अलग है, तो ये आयताकार बगिया होगी। तो हम इसलिए बगिया का क्षेत्रफल है 800 मीटर स्क्वायर, इसलिए बराबर हो जाएगा। हम जानते हैं कि आयत का क्षेत्रफल होता है कितना, लंबाई गुणे चौड़ाई, तो लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर हमारा कितना हो जाएगा 800। अब हम जानते हैं लंबाई का मान हमारा कितना है 2x, और जो हमारा चौड़ाई है वो x है, और ये बराबर कितना हो जाएगा 800। और फिर जब हम यहां से हल करेंगे तो हो जाएगा 2x स्क्वायर बराबर 800। और जब हम अपने इस रूट को हटाएंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 2x बराबर अंडर रूट 800, और ये बटे 2। इसको यहाँ पे ला दिए, यहाँ पे ये निकलेगा, इसको यहाँ पे, और रूट को हटा दिए, यहां से ये कट जाएगा 400 बचेगा, और ये बचेगा x बराबर अंडर रूट 400। और जब हम 400 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा 20 आ जाएगा। अब कह रहा है यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए, लिखेंगे अतः बगिया बनाना संभव है, अतः बगिया बनाना संभव है, इसलिए हमारी लंबाई बराबर कितनी हो जाएगी 2x, यानी कि 2 × 20 यानी कि 40 मीटर, और फिर उसकी चौड़ाई यानी कि हमारा x का मान, जिससे हम चौड़ाई को x से डिनोट किए थे, तो x का मान हमारा कितना है 20 मीटर। तो हमने किया क्या इस क्वेश्चन में, क्या कह रहा था हमारा क्वेश्चन, क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगुनी हो और उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर हो? यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो हमने चौड़ाई को x माना और उसकी लंबाई जो दी हुई थी वो चौड़ाई से दुगुनी थी, तो x में 2 से गुणा कर लिया, और ये दोनों मीटर में थे क्योंकि क्षेत्रफल उनका मीटर में था, और फिर बगिया का क्षेत्रफल हमारा प्रश्न में दिया हुआ था कि 800 मीटर स्क्वायर है, तो हमने बगिया का क्षेत्रफल बराबर 800 मीटर स्क्वायर। तो हम जानते हैं कि लंबाई और चौड़ाई समान नहीं होगी तो एक आयत होगी, तो आयत का क्षेत्रफल होता है कि लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर, हमने 800 मीटर का, उसके बाद फिर उनके मानों को रखा तो हमारा x का मान आया 20 मीटर, और फिर पूछ रहा है यदि संभव हो तो उनकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो अतः बगिया बनाना संभव है, तो इसलिए लंबाई हमने 2x माना था, तो x के स्थान पे 20 रखा यानी कि x का मान, तो हमारा 40 आया, और फिर चौड़ाई यानी कि x, तो ये हमारा 20 था, इसलिए इस प्रकार ये दोनों हमारे आंसर हुए।
तो आइए हम अपने चौथे क्वेश्चन को बनाते हैं। तो हमारा चौथा क्वेश्चन है, क्या निम्न स्थिति संभव है, यदि है तो उनके यदि है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। दोनों मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है, 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 48 था। तो हम मान लेंगे, माना पहले मित्र की आयु, तो पहले मित्र की आयु x वर्ष मान लेंगे और दूसरे मित्र की आयु दूसरे तथा दूसरे मित्र की आयु। तो हम जानते हैं कि दोनों मित्रों की आयु का योग है 20 वर्ष, यानी कि तो हम x यानी कि पहले मित्र की आयु और दूसरे मित्र की आयु, तो हम जानते हैं 20 में से x को घटा देंगे तो दूसरे मित्र की आयु निकल जाएगी, क्योंकि दोनों मित्रों की आयु का योग है 20 वर्ष, और जब 20 में से हम पहले मित्र की आयु घटा देंगे तो दूसरे मित्र की आयु हमारी निकल जाएगी। अब प्रश्न से, तो हमारा प्रश्न कह रहा है कि 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 48 है, तो पहले 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु निकालेंगे, 4 वर्ष पूर्व पहले मित्र की आयु, तो 4 वर्ष पूर्व पहले मित्र की आयु कितनी हो जाएगी, x माइनस 4 वर्ष हो जाएगी, x में से 4 वर्ष पूर्व है इसलिए x में से माइनस 4 यानी कि माइनस 4 कर लेंगे, और फिर तथा 4 वर्ष पूर्व दूसरे मित्र की आयु, यानी कि ये हो जाएगी 20 माइनस x माइनस 4, यानी कि हमारे दूसरे मित्र की आयु इतनी है और उसमें से माइनस 4 घटा लेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 16 माइनस एक्स वर्ष। तो 4 वर्ष पूर्व दोनों मित्रों की आयु निकल गई। अब हम कहेंगे क्या प्रश्न से, तो हमारा प्रश्न कह रहा है 4 वर्ष पूर्व यानी कि इन दोनों आयु 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 48 था, तो x माइनस 4 और इसका गुणनफल यानी कि गुणा 16 माइनस x से तो बराबर 48। तो अब हम इसे हल कर लेंगे, तो इससे इन दोनों में गुणा करेंगे x से 16 माइनस x में, तो ये हो जाएगा 16 x माइनस x स्क्वायर, और अब फिर इससे इन दोनों में करेंगे तो ये हो जाएगा 64 माइनस माइनस प्लस और 4x बराबर 48। तो हम क्या करेंगे, इसे उधर ले जाएंगे ताकि हमारा जो ये माइनस है इसे प्लस में, पहले इसको हम हल कर लेंगे, तो ये कितना हो जाएगा 20x माइनस एक्स स्क्वायर और बराबर 48 प्लस 64, तो ये हो जाएगा 20x माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 2 ग्यारह 112 आएगा हमारा। और अब हम इसे सजा लेंगे द्विघात समीकरण के रूप में, तो ये हो जाएगा, इसे हम इधर ला देंगे बराबर के दाहिने साइड, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर और प्लस में हो जाएगा तो माइनस 20 एक्स, और ये वैसे ही रह जाएगा प्लस 112 बराबर 0। अब हम इसे हल करेंगे, तो जब हम इसे हल करेंगे तो हमारा जो गुणनफल, तो हम इसे द्विघात सूत्र से सॉल्व कर ले रहे हैं, यहाँ तो हम यहाँ a का मान हमारा दिया हुआ है 1, b बराबर दिया हुआ है माइनस 20, कमा c बराबर दिया हुआ है 112। तो द्विघात सूत्र से इसे हल करेंगे तो हम विवेचक निकालेंगे, विवेचक, तो जब हम विवेचक निकालेंगे तो ये होगा बी स्क्वायर माइनस 4ac, हम जानते हैं तो मानों को रख देंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 400
माइनस 448। तो अब हम इसे इसमें से घटा लेंगे तो हम जानते हैं कि हमारे मान दो कंडीशन होंगे तभी होंगे, या तो d बड़ा हो जीरो से या जो d हो वो बराबर हो जीरो से। यदि d छोटा होता है जीरो से तो इस कंडीशन में कोई हल नहीं होंगे, तो लिख देंगे अतः। और ये हमारा कंडीशन सेम इस टाइप का है, यानी कि जो हमारा d है वो छोटा है जीरो से, तो लिख देंगे अतः समीकरण का कोई हल नहीं होगा। ये हमारा आंसर हो गया। पांचवे क्वेश्चन में बनाते हैं, तो हमारा पांचवा क्वेश्चन है कि परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर की एक पार्क को बनाना संभव है, यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। यानी कि हमारा परिमाप दिया हुआ है और क्षेत्रफल दिया हुआ है, तो हम लिख लेंगे माना पार्क की लंबाई। तो हम पार्क की लंबाई को x मान लेंगे मीटर में, क्योंकि क्षेत्रफल हमारा मीटर और परिमाप भी मीटर में है, तथा चौड़ाई यानी कि पार्क की चौड़ाई को हम y मीटर मान लेंगे प्रश्न से। तो हमारे प्रश्न में परिमाप और क्षेत्रफल दिया हुआ है, तो हम यहां से हमारा परिमाप हो जाएगा x प्लस वाई टू बराबर 80, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा आयत का परिमाप क्या होता है, का परिमाप। तो हम जानते हैं आयत का हमारा परिमाप होता है 2 × लंबाई प्लस चौड़ाई। तो हमने यहाँ पे 2 × लंबाई का मान x, चौड़ाई का मान y और परिमाप हमारा 80 दिया हुआ था। अब हम यहाँ से इसको कटा लेंगे 40, यह आ जाएगा x प्लस वाई बराबर 40। इसे हम समीकरण एक मान लेंगे और पुनः प्रश्न से, तो जो हमारा प्रश्न है दोबारा, उसका क्षेत्रफल कितना दोबारा तथा क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर हो, तो x इंटू वाई बराबर 400 हो जाएगा, क्योंकि आयत का क्षेत्रफल बराबर कितना होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। तो मैंने x गुणे वाई यानी कि एक्स वाई बराबर 400 हो गया। इसे हम समीकरण दो मानेंगे, या तो हम समीकरण एक से x का मान निकाल लें, या तो हम दो से x का, या समीकरण एक से y का, या दो से y का, यानी कि हम किसी इन दोनों समीकरण से x और y के मान निकाल सकते हैं। तो मैं समीकरण एक से x का नहीं तो y का मान निकालूंगा, समीकरण एक से, तो मैं समीकरण एक से x का मान और y का मान निकाल सकता हूं। तो मैं यहाँ पे y का मान निकाल ले रहा हूं, तो y बराबर हो जाएगा 40 माइनस x, क्योंकि जब हम y के मान को निकालेंगे तो हमारा x दाहिने तरफ आ जाएगा, और जब प्लस में है तो ये इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। अब हमारा y का मान आ गया है, अब हम y के मान को समीकरण दो में रख देंगे, अब y का मान समीकरण दो में रखने पर, जब हम y का मान समीकरण दो में रखेंगे तो हमारे समीकरण दो में y के स्थान पे y का मान हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x इंटू 40 माइनस x सॉरी यहाँ पे बराबर 400। तो हम इसे सॉल्व कर लेंगे, तो ये हो जाएगा x माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 400, इसे दाहिने तरफ ले जाएंगे मैंने इन दोनों को दाहिने तरफ ला दिया,
अब यहाँ से हम इसका गुणनखंड करके मान निकाल सकते हैं या द्विघात समीकरण से भी इसका मान निकाल सकते हैं। तो मैं गुणनखंड विधि से इसका मान निकाल दे रहा हूँ। तो एक्स स्क्वायर माइनस बीस एक्स माइनस बीस एक्स प्लस 400 बराबर 0। तो ये हो जाएगा, इन दोनों में से x कॉमन ले सकते हैं तो x माइनस 20 होगा, और इन दोनों में से हम माइनस 20 कॉमन ले सकते हैं तो ये भी हो जाएगा x माइनस 20 बराबर 0। तो हम देख सकते हैं हमारे ये दोनों पद बराबर हैं, तो इनको एक बार लिख लेंगे x माइनस 20, और अब इन दोनों को एक बार लिख लेंगे x माइनस 20 बराबर 0। तो यहां से हमारा इन दोनों को हम 0 के बराबर करेंगे तो हमारा x बराबर 1 20 आएगा, फिर x बराबर 20 आएगा, यानी कि जो हमारा चूंकि x बराबर 20 यानी कि जो हमारा x है वो 20 आ गया। अब हम करेंगे क्या, वो कह रहा है कि प्रश्न पार्क को बनाना संभव हो तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करें। तो हमारा पार्क बनाना संभव है इसलिए हम उसकी लंबाई और चौड़ाई को ज्ञात कर लेंगे। तो हमारा लंबाई यानी कि x आ चुका है, लिख लेंगे इसलिए पार्क की लंबाई, तो हमारा लंबाई x बराबर 20 मीटर आ गया है, और हम चौड़ाई को ज्ञात कर लेंगे। तो हम चौड़ाई को ज्ञात करने के लिए करेंगे क्या, समीकरण x यानी कि समीकरण 1 में x के मान को रख देंगे। तो हमारा समीकरण 1 क्या है, x प्लस y बराबर 40। तो x का मान 20 है प्लस y बराबर 40, तो ये हो जाएगा y बराबर 40 माइनस 20 बराबर 20 मीटर, यानी कि हमारा है चौड़ाई पार्क की वो लंबाई पार्क की 20 मीटर है, और पार्क की चौड़ाई यानी कि वो भी हमारा 20 मीटर है, यानी कि दोनों 20-20 मीटर है। तो हमने किया क्या, इसमें हमें परिमाप और क्षेत्रफल दिया हुआ था, तो हमें आयत के यानी कि हमने पार्क की लंबाई को x मान लिया और चौड़ाई को y मान लिया। फिर हमारा प्रश्न में दिया हुआ था कि उसकी परिमाप 80 मीटर है, तो हम जानते हैं कि आयत की परिमाप होती है कितना, 2 × लंबाई प्लस चौड़ाई। तो हमने उसी आधार पर 2 × लंबाई का मान x रखा और चौड़ाई का मान y बराबर 80, और इस 2 से हमने 80 को कटाया तो हमारा 40 आया। उस प्रकार हमें x प्लस वाई बराबर 40 एक समीकरण प्राप्त हुआ। अब हम पुनः प्रश्न से, तो हमारा दोबारा प्रश्न था कि क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर, तो हमने जानते हैं कि आयत का क्षेत्रफल है लंबाई गुणा चौड़ाई यानी कि x इंटू वाई बराबर 400। तो अब हम इसे समीकरण 2 मान लिए, और फिर क्या किया समीकरण 1 से x के मान को निकाल सकते हैं और तथा y के मान को भी निकाल सकते हैं। तो हमने y के मान को निकाल लिया, तो y का मान हमारा आया 40 माइनस x, और फिर क्या किया, इस y के मान को हमने इस समीकरण 2 में रखा, और 2 में रख के जब सॉल्व किया तो हमारे पास x का मान कितना, 20 आया, और 20 जो x था वो हमारा लंबाई था इसलिए हमारा लंबाई का मान 20 आ गया। और फिर चौड़ाई के मान को निकालने के लिए हमने अपने समीकरण 1 में x का मान 20 रखा और फिर हल किया तो हमारा 20 आया, यानी कि लंबाई और चौड़ाई दोनों 20-20 मीटर आए, हमारा ये आंसर हो गया।